हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे रोग या डिजीज, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए WHO के अनुसार सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट आना ही रोग कहलाता है। यह रुकावट शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से हो सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं रोग, उन कौन से, अनुवांशिक या जन्मजात ना, या अर्जित। अर्जित भी दो तरह के होते हैं, संक्रमण रोग और असंक्रमण, ठीक है। तो देखिए जन्मजात रोग, ठीक है, ऐसे रोग जो सीधे माता पिता से बच्चों में आते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अपाइजपन वाला है ना, ऐसे कुछ बहुत से रोग ऐसे, ठीक है। इन रोगों का बाहरी वातावरण से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। पहला है हीमोफीलिया या शाही रोग या रॉयल डिजीज, ठीक है। यह एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। यह रोग एक्स गुणसूत्र में अनियमितता की वजह से होता है, ठीक है। मतलब लिंग सहलग्न अपरवायु होना, ठीक है। यह रोग सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, इसलिए इसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस रोग में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। मतलब इस रोग में अगर चोट लग जाए व्यक्ति को तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर है वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। यह एक आनुवंशिक रोग है, एक्स गुणसूत्र में अनियमितता की वजह से होता है। यह लिंग संलग्न अप्रभावित रोग है। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। इस प्रकार के रोग में सामान्यतः पुरुष प्रभावित होता है तथा महिला वाहक का काम करती है, ठीक है। महिला से लगता है यह रोग, लेकिन पुरुष पर प्रभावित दिखाता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर का है सिकल सेल एनीमिया। यह एक घातक आनुवंशिक विकार है। इस रोग के अंदर RBC की विकृति हो जाती है। RBC का आकार असियाकार हो जाता है, जिसकी वजह से RBC ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है, ठीक है। जैसे यह RBC है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। असियाकार मतलब टूट जाती है, मतलब खून की कमी आने लग जाती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर का देखिए थैलेसीमिया। इस रोग के अंदर RBC में विकृति मतलब हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन काल कम होता है, लगभग 20 वर्ष, और सप्ताह में 2 बार रक्त चढ़ाया जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर का है एल्बिनिज्म या वर्णहीनता या रंजकहीनता, ठीक है। ऐसे रोगी की त्वचा में मिलेनिन वर्ण का संश्लेषण नहीं हो पाता है, इससे रोगी पूर्ण रूप से सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है जैसे रोग है पटाव सिंड्रोम। 13 गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो और कुल 46+1 47 गुणसूत्र हो, मतलब अधिकता से होठों का कटा हुआ होना जन्म से ही, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है और कुल गुणसूत्रों की संख्या 46+1 47 हो जाती है, ठीक है। इसकी अधिकता से रोग मंदबुद्धि, जीवन काल कम हो जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है और कुल गुणसूत्र 46+1 47 हो जाते हैं, मतलब इसकी अधिकता से रोग ललाट चौड़ा होना, कद छोटा, गर्दन छोटी, जीवन काल कम, मंदबुद्धि या मंगोलिज्म, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टर्न सिंड्रोम 44+X या ओ कोई भी 45 गुणसूत्र, मतलब 23वां जोड़ा अलग हो, यह लिंग संलग्न आनुवंशिक विकार। यह रोग सामान्यतः महिलाओं में होता है, ऐसी महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। ऐसी महिलाएं वंध्य या इनफर्टिलिटी या बांझपन का शिकार हो जाती है, ठीक है। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम मतलब 44+XXY मतलब 47
गुणसूत्र हो जाते हैं। सामान्य यह रोग पुरुषों में पाया जाता है, ऐसे पुरुष में महिलाओं के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे में पुरुष इनफर्टिलिटी वर्णता का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, जेकब सिंड्रोम या अपराधी सिंड्रोम, 44+XYY+47 मतलब 2300 जोड़ा अलग बन जाता है। ठीक है, यह रोग सामान्य महिलाओं में होता है। इन रोग से ग्रसित महिलाएं गृहपराधिक प्रवृत्ति की होती है, मतलब लूटपाट या मर्डर की प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पॉर्किंस रोग। यह रोग आनुवंशिक रोग है। इस रोग में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, जो डोपामिन हार्मोन की कमी से होता है। इस हार्मोन की कमी से मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग। यह रोग एक आनुवंशिक रोग है। इसमें मस्तिष्क में असामान्य प्रोटीन के जमाव की वजह से मेमोरी लो से स्मृति लो हो जाती है, जो 60 से 70 वर्ष की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्राइडुचेट सिंड्रोम। ठीक है, यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें पांचवे जोड़े गुणसूत्र के विलोपन में होता है। ठीक है, होता है जो 15 गुणसूत्र में जाके जुड़ जाता है। इस रोग में बच्चा बिल्ली की तरह होता है, मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, फिलहाल यही याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।